आप हैं बिहार संवाददाता के साथ, मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। विकास प्रसाद सिंह लोकसभा के प्रभारी हैं, यानी कि गिरिराज सिंह के का क्षेत्र देखते हैं। विकास जी, जी आज की रात सुनने में जो आ रहा है राजनीतिक गलियारों में बड़ी भारी पड़ने वाली है। और नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग तो ये जानते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जो देख रहे हैं, लोगों का जो समावेश देख रहे हैं, हम लोग को तो पता है कि भाई हम लोग जो 2024 में 40 सीट जीतेंगे यहाँ पे, जनता की जो देख रहे हैं माहौल जो देख रहे हैं उस आधार पे हम लोग कह सकते हैं। विकास जी, कहा ये जा रहा है कि सब कुछ फार्मूला तय हो गया है, हो सकता है कि रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में, खबरें ये राजनीतिक गलियों में आ रही हैं, रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में बिहार में नई भाजपा की सरकार बने, जदयू से एमएलए टूटेंगे, राजद से एमएलए टूटेंगे, सब कुछ तय हो चुका है। आपको कितनी जानकारी? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये हम लोग की जानकारी अभी तक तो ये सब चीज़ नहीं है, ये सब अफवाहें हैं। हम लोग ये जानते हैं कि जनता हम लोग यदि सच्चाई में बदल गई तब नहीं, मुझे नहीं लगता है अगर सच्चाई बदल जाएगी तो कल देखेंगे आपके साथ, लेकिन मुझे जहाँ तक हम लोग की जानकारी है, खबर ये है कि 30 जदयू के विधायक टूट के कगार पे भाजपा के साथ आ रहे हैं। 30-40 जो भी है जदयू के सभी टूट सकते हैं वहाँ पे, तो अब जदयू में तो कुछ बचा नहीं है, ऐसे भी 24 में समाप्त होना है उनको। 24 में राजद के भी कुछ लोग आपको समर्थन देने के लिए तैयार, राजद के समर्थन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी हमारी परिस्थिति यह है कि जनता की सबसे बड़ी चीज़ है, जो जनता की अपेक्षा है उस पर हम लोग खरा उतरना है। मतलब नीतीश कुमार को के लिए आपने दरवाजे बंद कर दिए हैं और उनके विधायकों के लिए खुला रखा है? नहीं, इन्होंने तो साफ, हमारे गृह मंत्री जी ने साफ संदेश दिया है कि हमारे यहाँ अब वैसे लोगों की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर विधायक अगर हमारे विचारधारा से अगर जुड़ेंगे आने वाले समय में, मुझे जहाँ तक जानकारी अभी तक है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता तो बाद में तो देखा जाएगा। राज्य की राजनीति में भी यही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को हम दूर रखेंगे, लेकिन उनके ही जो राज्यसभा के सांसद हैं हरिवंश, उनको आप वहाँ राज्यसभा में उपाध्यक्ष बना के बैठाए हुए हैं। वो एक संवैधानिक पद है, राज्यसभा में उपाध्यक्ष एक संवैधानिक पद है। तो नीतीश तो उनको वापस बुला सकते थे ना, या नीतीश उनको कॉरिडोर का काम के लिए रखे हैं कि भाई एकदम भाजपा के साथ थोड़ा सा तालमेल मेरी बैठा के रखना दिल्ली में? अरे, अब नीतीश जी क्या सोच रहे हैं वो नहीं है, लेकिन संवैधानिक पद है। भारतीय जनता पार्टी सबने संविधान पर जो है विश्वास और भरोसा किया है और उस हिसाब से चला है, इसलिए संवैधानिक पद, इसलिए वहाँ पे वो निभा रहे हैं और अच्छे लोग हैं। बेगूसराय के आप प्रभारी हैं, सुनने में आ रहा है कि 60 साल से जो भी ऊपर के हो गए सबके टिकट कटेंगे भाजपा में, करीब 40 नामों से ज़्यादा की एक लिस्ट बन रही है, उसमें तो आपके गिरिराज सिंह भी आएंगे। ये निर्णय अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे, आदरणीय संसदीय बोर्ड के जो कमेटी है जिसमें संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो तय करेंगे, हम सबों को नहीं पता है। हम लोगों को था कि आपको नहीं लगता कि गिरिराज सिंह जो भाजपा में एक उम्र की सीमा है उस पड़ाव को पार कर चुके हैं, अब उन्हें नए लोगों को चांस देना चाहिए? नहीं, मुझे नहीं लगता है, जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं, जिस हिसाब से वो क्षेत्र में लोगों के बीच जा रहे हैं, और ये पार्टी निर्णय करेगी। पार्टी पहले ऐसे भी एक था कि भाई 75 वर्षों तक स्वविवेक से, तो अभी तो उसमें सारे लोग अभी आ रहे हैं। मतलब पार्टी ने भी एक जोड़ रखा है कि 75 वर्षों तक, लेकिन स्वविवेक से तो 90 तक भी जा सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, वो एक 75 तक है, और जिसमें आपने देखे होंगे हमारे मार्गदर्शक मंडल में बहुत सारे राष्ट्रीय नेता हैं जिन्होंने कि अपने आप को सक्रिय राजनीति से दूर किया है। तो बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल में भी ऐसे नेता हैं जो सक्रिय राजनीति से दूर होकर बीजेपी को सही दिशा देते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो 75 के अंदर जो था कि 75 साल के बाद टिकट नहीं मिलेगा, गिरिराज जी भी 75 के आसपास होने को गए, लेकिन अभी तक जैसा कि प्रसाद जी ने बताया कि नहीं, वो बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, तो हो सकता है पार्टी उनको एक बार फिर और मौका दे, लेकिन जो बिहार की अभी की राजनीतिक परिदृश्य और राजनीतिक गलियारों से जो चर्चा हो रही है और हमें सुनने में खबरें हमारे पास छन छन के आ रही हैं, उसमें बहुत कुछ अब ये 5 दिनों में होने वाला है। क्या कुछ होता है सब पर हमारी नज़र रहेगी, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ।